जहां काशीराम योजना के अंतर्गत सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मकान आवंटित किए हुए हैं, वहीं इन मकानों में कुछ अवैध तरीके से बिना आवंटन के कुछ परिवार रह रहे हैं, जिनमें से एक परिवार की गुंडई प्रकाश में आई है, जहां एक पीड़ित परिवार ने दबंगई परिवार के खिलाफ मंझोला थाना पुलिस को दी तहरीर के आधार पर बताया कि जी आपका नाम क्या है? रूप कुमार वर्मा। आप कहां हैं इस टाइम? मैं काशीराम नगर में रहने वाला हूं और काशीराम नगर में एप ब्लॉक एप 223 में रहता हूं, कचेरी मुरादाबाद में परिसर में मुंशीगिरी का कार्य करता हूं। तो क्या घटना हुई थी? और हमारे नीचे मकान नंबर एप 219 जो किसी दूसरे गीता भंडागर के नाम में है, वो उस मकान में अवैध रूप से कम्मो शर्मा पत्नी पवन शर्मा रहती है। इसके नाम में ना उक्त मकान नाम में है, अपात्र तरीके से रह रही है, बदमाशी के बल पर रह रही है ये। इसके पास में गुंडे लफंगे व्यक्ति आते जाते रहते हैं, रात को सुबह को 6 बजे से लेकर रात को 12 और 1 बजे तक ये टीवी भी चलाती है और डीजे बजाती है मेरे दरवाजे के आगे। 29 तारीख की सुबह मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा दूध दू के ऊपर को जा रहे थे जीने पे। कम्मो शर्मा का बेटा आकाश, इसके साथ रहने वाली ममता का बेटा दीपक, चार भाई इसके कम्मो के चार भाई और हमारे मकान नंबर ऊपर जो रहता है एप 227 में रहने वाला अरुण सनोक ओम प्रकाश, ऊपर सलीम और उसकी पत्नी सायदा और करीब 25-30 लोग और थे जिन लोगों ने मेरे बेटे को और मेरी पत्नी के साथ मारपीट की, क्योंकि हम घर पर नहीं थे और इन्होंने लोहे की सरिये से मारा, हाथों पे ब्लेड मारे हैं, मेडिकल कराया है। बावन 504 506 354 147 427 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ है। अपना नाम बताओ। सीमा वर्मा। क्या मामला था आपके साथ में, क्यों मारपीट कर दी थी इन लोगों ने? मामला ये था कि उसके भैया आते हैं मेरे जस्ट सामने एक मकान है, मकान एप 222, उसमें उसने कब्जा कर रखा, ताला तोड़ रखा है, कब्जा कर रखा उस मकान में। उसके भैया आते हैं, अवैध तरीके से शराब पीते हैं, बदतमीजी दिखाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसने मुझसे रंजिश रखनी शुरू कर दी और इतनी रंजिश कि मेरे बच्चों को, उसकी एक 9 साल की बेटी हैगी तो उसके लिए मेरे बच्चों को गलत ब्लेम लगाने के लिए तैयार रहती है, गलत ब्लेम लगाती है। और उसका यही काम है गरीब लड़कियों की शादी करा के और सामने लड़के वालों से पैसा खा लेती हैगी और बच्चे बेचने का काम कर रखा उसने। अगर किसी के बच्चे नहीं है, कोई कहता है कि हमें बच्चा दिलवा दो, तो बच्चे वालों से बात कर लेती है और बच्चे बेचवाने का काम करती हैगी। उसका कम से कम 6-7-8 औरतों का ग्रुप है बना हुआ, आए दिन यही चौकी वगैरह गई थी क्या करने के लिए? जी गई थी और थाने उन्हें चौकी वालों को भी पता है, अगर वो निपक्ष जांच करते हैं, निपक्ष रहते हैं तो उनके ऊपर नए से नए ब्लेम लगाती हैगी। कौन है? जी कम्मो शर्मा। किन पे ब्लेम लगाती है? चौकी इंचार्ज। क्या नाम है? पंकज सिंह यादव के ऊपर, उनके ऊपर ब्लेम लगाती है। ब्लेम ऐसे गलत लगाती है कि बस बयान नहीं कर सकती, जिसमें वो निपक्ष जांच करते हैं, किसी के पक्ष में जांच नहीं, जो सच है उसकी जांच करते हैं, वो सच्चाई का ही साथ देते हैं, उसके झूठ में शामिल नहीं होते, उसकी 420 में शामिल नहीं होते। वो उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करती है कि मेरे साथ में शामिल हो जाओ, पर वो निपक्ष रहते हैं, वो उसकी रिश्वत कभी नहीं लेते, वो अपने साथ उन्हें मिलाना चाहती है पर वो नहीं मिलना चाहते। यही कारण है कचहरी में आई हूँ और SSP साहब से मिलने के लिए आई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी निपक्ष जांच करी जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। जी थाना मझोला की काशीराम पुलिस चौकी में जितने भी पुलिस चौकी इंचार्ज आते हैं, सबसे पहले अरफान अली आए, उसके बाद दीपक राठी हैं या सुभाष मावी हैं। इस कम्मों ने
अपने रंग में रमाने के लिए उन्हें रिश्वत की पेश की, उन्होंने रिश्वत नहीं ली तो इसने यहाँ पे कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन कर दिया है। पहले लोजापा में थी, उसके बाद इसके साथ सब चिटर लोग हैं और 15-20 औरतों का ग्रुप है, उसी ग्रुप के साथ में ये काम करती है। जो लोग पैसा चौकी वाले पैसा नहीं लेते हैं उनका धरना प्रदर्शन करके ट्रांसफ़र करा देती है और उन्हें बदनाम करती है, यही इसका पैसा है। क्योंकि अगर ये ऐसा काम नहीं करेगी तो इसकी रोजी रोटी का साधन छिन जाएगा। इस समय जो चल रहे हैं चौकी इंचार्ज पंकज कुमार बहुत बढ़िया है आदमी है, निष्पक्ष जांच करते हैं उन्होंने, और लोगों की तमाम लोगों की निष्पक्ष जांच करी है, हमारी भी जांच करी है। उन्होंने देखा जब उन्हें कोई भी फ़ोन करता है तुरंत मौके पर उपस्थित होते हैं और न्याय करते हैं। ये वो मकान है जिसमें कम्मू शर्मा रहती है, इसमें अवैध तरीके से ये 17 जून 2021 में डीएम मुरादाबाद ने एडीएम फाइनेंस ने इसे निरस्त करने के लिए तहसील से रिपोर्ट मांगी है।